अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डबल डोर रेफ्रिजरेटर या फ्रास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की वो वायरिंग सीखेंगे जो आज तक यूट्यूब पर नहीं है। ये वायरिंग डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बहुत से मॉडल में की जाती है। इस नॉन इन्वर्टर डबल डोर रेफ्रिजरेटर में टाइमर, थर्मोस्टेट स्विच, कंप्रेशर, रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर, डिफ्रास्ट हीटर, थर्मल फ्यूज और बायमेटल होते हैं। इस वायरिंग की खासियत यह है कि इसमें लैंप और कूलिंग फैन को टू वे डोर स्विच से ऑपरेट किया जाता है। लैंप के ऑन होने पर फैन ऑफ और फैन के ऑन होने पर लैंप ऑफ हो जाता है। ये सभी पार्ट्स फ्रिज में कहां लगे होते हैं इसको देखते हैं। फ्रिज के बाहर पीछे की तरफ कंप्रेसर, इसके टर्मिनल के साथ लगा हुआ रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर, बाहर ही एक कवर में यह टाइमर लगा होता है जिसमें चार पिन 1, 2, 3, 4 नंबर होती हैं। सभी पिनों का काम फिक्स होता है। टाइमर की डिजाइन के हिसाब से इन पिनों की जगह अलग अलग हो सकती है। इस वायरिंग में हम इस तरह के डिजाइन का टाइमर यूज करेंगे। अब अंदर के पार्ट्स को देखते हैं। इसके लिए फ्रीजर के बैक कवर को हटाते हैं। ये इस फ्रिज का कूलिंग फैन है। एक्युमुलेटर के साथ सटा हुआ बाइमेटल है। कूलिंग कॉइल के साथ अटैच थर्मल फ्यूज है। ये डिफ्रास्ट हीटर का वायर है और हीटर कूलिंग कॉइल के नीचे लगा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। इस वायरिंग की खासियत इसकी डोर स्विच को देखिए। ये टू वे डोर स्विच है जिसमें तीन टर्मिनल हैं, जिससे यहां से तीन वायर निकल रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन होने पर इस स्विच से लैंप ऑन हो जाता है और फैन ऑफ, जबकि डोर को क्लोज करते हैं तो लैंप ऑफ हो जाता है और फैन ऑन हो जाता है। इस शानदार वायरिंग को सीखते हैं। ये टू वे डोर स्विच जिसमें तीन पिन है, टाइमर, थर्मोस्टेट, कंप्रेशर, रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर, डिफ्रास्ट हीटर, थर्मल फ्यूज, बाइमेटल, पावर सप्लाई के लिए 3 पिन टॉप, डोर स्विच से ऑपरेट होने वाला लैंप और कूलिंग फैन। कूलिंग फैन कंप्रेसर के साथ सिर्फ कूलिंग मोड में ही चलता है और डोर स्विच से जरूरत के हिसाब से ऑफ और ऑन होता रहता है। इसकी वायरिंग को ध्यान से समझिए। 3 पिन प्लग से आने वाले अर्थिंग के वायर को फ्रिज की बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। 3 पिन टॉप के फेस पिन से आने वाले फेस वायर को थर्मोस्टेट से कनेक्ट करते हैं। थर्मोस्टेट के इसी टर्मिनल से एक वायर को लैंप से कनेक्ट कर देते हैं। थर्मोस्टेट के दूसरे टर्मिनल से एक वायर टाइमर की 3 नंबर पिन पर कनेक्ट करते हैं। 3 नंबर पिन से फेस टाइमर की मोटर से कनेक्ट रहता है। टाइमर कूलिंग मोड में होगा तो फेस टाइमर की 4 नंबर पिन से निकलता है, जहां से एक वायर कंप्रेसर के ओवरलोड प्रोटेक्टर से और एक वायर कूलिंग फैन से कनेक्ट कर देते हैं। टाइमर अगर हीटिंग मोड में होगा तो फेस टाइमर के 2 नंबर पिन से निकलता है, जिसे बाइमेटल से कनेक्ट कर देते हैं। बाइमेटल ऑन पोजीशन में रहे तो ये फेस बाइमेटल से होता हुआ डिफ्रास्ट हीटर तक पहुंच जाता है। इस तरह फेस लैंप, कंप्रेसर, कूलिंग फैन और डिफ्रास्ट हीटर तक पहुंच जाता है। ये जरूर समझ लीजिए कि टाइमर के जरिए फेस कंप्रेसर और कूलिंग फैन में जा रहा है तो हीटर में नहीं जाएगा, और अगर टाइमर के जरिए फेस हीटर में जा रहा है तो कंप्रेसर और कूलिंग फैन में नहीं जाएगा। अब न्यूट्रल के कनेक्शन को समझिए। 3 पिन प्लग से आने वाला न्यूट्रल वायर को कंप्रेसर और हीटर तक कनेक्ट करेंगे। पहले न्यूट्रल को थर्मल फ्यूज से कनेक्ट करते हैं। थर्मल फ्यूज से न्यूट्रल हीटर तक पहुंच जाता है। यहां ध्यान से समझिए, टाइमर जब हीटिंग मोड में होता है और बाइमेटल ऑन होता है तो टाइमर से आने वाला फेस हीटर तक पहुंचता है और हीटर ऑन रहता है, लेकिन बाइमेटल के ऑफ रहने पर और टाइमर के कूलिंग मोड में रहने पर फेस हीटर तक नहीं पहुंचता। तब थर्मल फ्यूज से आने वाला न्यूट्रल हीटर के सीरीज में हीटर के दूसरे सिरे से निकलकर टाइमर के 1 नंबर पिन तक जाता रहता है, जिससे ये न्यूट्रल टाइमर की मोटर को मिलता है। टाइमर की मोटर पर फेस डायरेक्ट कनेक्ट होता है और जब इसे न्यूट्रल मिलता है तो ये रन करती रहती है। प्लग से आने वाले न्यूट्रल से एक वायर कंप्रेसर के रिले से कनेक्ट करते हैं, जहां से ये न्यूट्रल कंप्रेसर के स्टार्ट और रन टर्मिनल को जरूरत के हिसाब से मिलता रहता है। उम्मीद है अभी तक की वायरिंग आप समझ गए होंगे। न्यूट्रल के वायर से एक वायर
टू वे डोर स्विच के सप्लाई टर्मिनल या कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं, जिससे न्यूट्रल स्विच के लैंप टर्मिनल से लैंप तक और फैन टर्मिनल से कूलिंग फैन तक पहुंचता है, जिससे रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन करने पर लैंप ऑन और फैन ऑफ हो जाता है, जबकि डोर क्लोज करने पर कूलिंग फैन ऑन और लैंप ऑफ हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।